हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तोशिप शेख सर। फाइनली कैप राउंड 2 आ चुका है भाई साहब। मुझे पता है कल रात किसी को नींद नहीं लगा होगा, बार बार उठ सुटते चेक करते है, लागली का। फाइनली लिस्ट लागलेली आहे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को अपना ड्रीम कॉलेज, अपना बेटरमेंट कॉलेज मिल चुका होगा। अब दोस्तों, इसके आगे वाला प्रोसीजर क्या है? जिसे कॉलेज मिला है उसके लिए क्या, या जिसे कॉलेज नहीं मिला है उसके लिए क्या आखिरी मौका है, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर जरूर बताऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बट उससे पहले एक छोटी सी बात, अगर आपका एडमिशन मुंबई यूनिवर्सिटी में हुआ है और अगर आप मैथ्स के लिए क्लास देख रहे हैं, डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिग्री M3, तो दोस्तों बेसिक से सिखाया जाएगा और मैं खुद पढ़ाता हूं। Batch 1 Batch 2 ऑलरेडी फुल हो चुकी है, बैच 3 का एडमिशन चालू है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जल्दी अपना सीट बुक कीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं, सर अब तो देखिए हमारा कैप राउंड में एडमिशन हो चुका है, अब इसके बाद क्या? तो दोस्तों सबसे पहली बात, जिन बच्चों को पूरे एंटायर प्रोसेस में पहली बार कैप राउंड में नाम लगा है, कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, तो उन बच्चों को सेल्फ एक्सेप्टेंस करना होगा। मतलब कंप्यूटर पे ऑनलाइन 16 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर के बीच 1000 रुपीज भर के सेल्फ एक्सेप्ट करना होगा। अब दोस्तों सर ये सेल्फ एक्सेप्ट कैसे होता है? तो दोस्तों उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो कैप राउंड 1 में था सिमिलर प्रोसेस है, ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। तो उस वीडियो को देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब सर सेल्फ एक्सेप्ट किसे करना होगा? तो दोस्तों जिन्हें कैप राउंड में पहली बार कॉलेज अलॉट हुआ है, समझ में आ गया? अब जिन बच्चों को कैप राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ था और अगर उन लोगों ने बेटरमेंट के लिए गए थे, तो उन्हें वापस 1000 रुपीज भरने की जरूरत नहीं है माय बाप। उन लोगों ने कैप राउंड 1 में ऑलरेडी 1000 रुपया भरा हुआ था, तो 1000 रुपया भर के सेल्फ एक्सेप्ट किसे करना है? जिसे पहली बार कुछ कॉलेज अलॉट हुआ है, मतलब कैप राउंड 1 में उन्हें कुछ भी अलॉट नहीं हुआ था, अब कैप राउंड 2 में अलॉट हुआ है। अब ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब दोस्तों ये काम कब तक करना है? 18 दिसंबर से पहले। अब 18 दिसंबर से टाइमिंग क्या है, क्यों देर रात तक जागना है? 18 दिसंबर से पहले ही कर दो ना, समझ में आ गया दोस्तों। अब दूसरी जरूरी बात, अब 16 से लेकर 18 दिसंबर तक आप लोगों को रिपोर्टिंग भी करना है उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाकर, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। अब कॉलेज में किसे किसे जाना होगा? सबसे पहले जिन बच्चों को पहली बार कॉलेज अलॉट हुआ है, या जिन बच्चों ने बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया था तो बेटर कॉलेज लगा है तो उनको भी जाना होगा, या जिन बच्चों ने बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया था बट नया कॉलेज नहीं मिला, पुराना कॉलेज वापस आया है, तो अब आपको जाना होगा। इन तीन बच्चों को, इन तीन टाइप के स्टूडेंट्स को कॉलेज में रिपोर्ट करना है। पहली बार कॉलेज अलॉट हुआ है, जिन लोगों ने बेटरमेंट के लिए गए थे नया कॉलेज अलॉट हुआ है, और जो लोग बेटरमेंट अप्लाई किए थे बट बेटरमेंट मिला नहीं, तो जो पुराना कॉलेज है वो आपको वापस मिल जाएगा, तो उस कॉलेज में आपको जाना कंपलसरी है 16 से लेकर 18 दिसंबर तक। तो दोस्तों जाओ 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 कॉलेज में जाओ। लास्ट टाइम बहुत बच्चों ने गलती किया था, रिपोर्ट किया ही नहीं, एडमिशन कैंसिल हो जाता है डायरेक्टली, ये बात जरूरी है। अब उसके बाद दोस्तों आपको पता है कि अगर जो बच्चे कास्ट कैटेगरी में है, तो उन लोगों का एडमिशन अगर कास्ट में हुआ है और अगर उन लोगों के पास अगर आज के तारीख में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो दोस्तों 18 दिसंबर तक आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। कॉलेज में जब भी रिपोर्ट करोगे तो डॉक्यूमेंट लेकर ही जाना पड़ेगा। सर रिसिप्ट है, पावतिया है, चालेल का? नहीं चालनार। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कास्ट से रिलेटेड, चाहे आपका नॉन क्रिमिलियर हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, कास्ट वैलिडिटी हो, ट्राइबल वैलिडिटी सर्टिफिकेट हो, या आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट हो, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेगा, कोई भी रिसिप्ट नहीं चलेगा। और ये किसके लिए है? कैप राउंड 1 में जिनका एडमिशन हुआ था और कैप राउंड 2 में अब जिसका एडमिशन हुआ है, उन दोनों कास्ट कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए है 18 दिसंबर तक। अदरवाइज सर कैप राउंड 1 में एडमिशन हुआ था, रिसिप्ट दिया था, अब नहीं चलेगा। अगर 18 दिसंबर तक अगर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया, तो कैप राउंड 1 कैप राउंड 2 दोनों में जिसका भी एडमिशन हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट,
दोनों के एडमिशन कैंसल्ड हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जरूरी बात है। अब ये तो हो गया सारी डिटेल जानकारी जिन लोगों को एडमिशन मिला है, कॉलेज अलॉट हुआ है। अब सर उनके बारे में बताइए जिन लोगों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, या ऐसे कुछ बच्चे हैं कि सर यार कॉलेज तो अलॉट हुआ है बट थर्ड ऑप्शन क्या है हमें जानना है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 19 दिसंबर मतलब 19 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक अब होगा इंस्टीट्यूट लेवल राउंड, जिसे कहते हैं नॉन कैप राउंड। अब दोस्तों ये नॉन कैप राउंड क्या होता है? नॉन कैप राउंड का मतलब होता है कि कैप राउंड 1 और कैप राउंड 2 में मतलब खत्म होने के बाद भी अगर किसी कॉलेज में अभी भी सीट्स खाली है तो वो लोग इंस्टीट्यूट राउंड अप्लाई करते हैं। अब ये इंस्टीट्यूशनल राउंड में कैसे होता है वो लोगों को पता चल जाएगा। देखो 18 दिसंबर को पता चल ही जाएगा कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, बराबर है, या कितने बच्चों का एडमिशन कैंसिल हुआ डॉक्यूमेंट्स नहीं होने की वजह से। तो उनके पास एक फाइनल फिगर आ जाएगा कि अभी भी हमारे कॉलेज में इस ब्रांच के लिए इतने सीट्स खाली है, इस ब्रांच के लिए इतने सीट्स खाली है। तो वो लोग क्या करते हैं, उनके वेबसाइट पे जाकर वो उसे अपलोड कर देते हैं कि हमारे कॉलेज में इतने इतने सीट्स इस ब्रांच के लिए खाली है। तो और उनके पास दूसरा ऑप्शन है कि वो न्यूज़पेपर में भी उसका इश्तहार देते हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट देते हैं, हिंदी इंग्लिश मराठी तीनों न्यूज़पेपर में आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों आप लोगों को बस अब क्या करना है, पेपर चेक करो किसी कॉलेज में वैकेंसी है क्या डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए, या जिस कॉलेज में आप देख रहे हो क्या उस कॉलेज के वेबसाइट पे जाकर चेक करो कि कुछ आया है क्या वैकेंसी का। अगर आया है तो दोस्तों उस कॉलेज में आपको अप्लाई करना होगा। अब अप्लाई कैसे करते हैं वो सारी बातें वहां पर लिखी हुई होती है। बट दोस्तों यस, ये लास्ट मौका है 19 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको करनी होगी। उससे रिलेटेड आगे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, कौन से कॉलेज में सीट्स खाली है या क्या है, वो सारी बातें मैं आपको वीडियो द्वारा कम्युनिटी द्वारा बताते रहूंगा। यूट्यूब कम्युनिटी में मैं उसके पोस्ट डालता रहूंगा। आपको बस करना क्या है, यस आपको पता है इस चैनल पे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है, कोई क्लिक बेट नहीं होता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके आराम कीजिए। जब भी कोई इंफॉर्मेशन आएगी आपके ये सर आपके बड़े भाई साहब आपके लिए इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे। तो दोस्तों बस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट, और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।